एक अलौकिक और एक यूनिक इवेंट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। अनेक कारणों से प्रयागराज का कुंभ इस बार अद्भुत है और इसके लिए हम सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने गंगा पूजा से, मां गंगा की पूजा से कुंभ की शुरुआत की थी, जिनके प्रयास से कुंभ को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली, जिनके प्रयास से एक वैश्विक मान्यता इस कुंभ को प्राप्त हुई है और दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने प्रयागराज में आकर के अपनी अपनी राष्ट्र ध्वजा को कुंभ में स्थापित किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर भी करना चाहेंगे कि लगभग 450 वर्षों के लंबे कालखंड के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक स्वच्छ कुंभ का संदेश देने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, वहीं मां गंगा के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है उस आस्था का परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि गंगा जी की अविरलता, गंगा जी की निर्मलता, यह नमामि गंगे परियोजना की परिश्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिता के कारण इस रूप में देखने को मिल रहा है। कैसे परिवर्तन होता है हम स्वयं देख सकते हैं कि पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, लेकिन जिस आस्था के साथ आए थे, गंदगी देख करके संगम के तट पर गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि वे आचमन भी कर पाए और 6 साल के अंतराल में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। इस बार मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, संगम में स्नान किए, 3000 से अधिक अप्रवासी भारतीय भी आए, उन्होंने संगम में स्नान किया, 71 देशों के राजदूत भी आए, उन्होंने इस अद्भुत घटना को कि कैसे स्वतस्फूर्त भाव के साथ एक टाउनशिप बस्ती है इस नजारे को देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन इसके लिए मिला है, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम प्रयागराज में हैं तो स्वाभाविक रूप से आज की हमारी कैबिनेट का केंद्र बिंदु भी प्रयागराज ही था। कुंभ के इस आयोजन में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया कि जिस प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा, मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम होगा, उस प्रयागराज के बुनियादी ढांचागत विकास के दृष्टि से कुछ तो किया जाना चाहिए। हमारे पास समय कम था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर अपने कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। आज वह आपके सामने प्रयागराज का नजारा है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, आपने लिखा है, आपने उसको नजदीक से जाना है, समझा है, लेकिन आज हम लोगों ने एक फैसला कुछ और भी लिए हैं और वे फैसले हैं खासतौर पर कि प्रयागराज की कनेक्टिविटी हम लोगों ने तय किया है। हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे, ये गंगा एक्सप्रेस वे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदसर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। ये एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा
इसमें 6,556 हेक्टेयर लैंड इस एक्सप्रेसवे में लगेगा। 4-lane एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस होगा जो एक्सपेंडेबल टू 6-lane, यानी इसे हम 6-lane तक बनाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगा और इस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेस वे के पर लगने की संभावना है। आज हमारी कैबिनेट ने इसका एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि इस पर कार्य होना चाहिए, जिससे प्रयागराज के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के साथ हो सके।